अगर आपके नाम का पहला लेटर के है या फिर आपका नाम हिंदी के अक्षर क से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेटर के अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में 11वें नंबर पर आता है। 11 का अंक यानी कि दो सूर्य की एनर्जी, दबंग प्रवृत्ति लिए हुए लोग पेन से खुलकर बात करने से घबराते हैं। आप लोगों में एक विशेष और अद्भुत शक्ति प्रदान की है ईश्वर ने, और वो है लोगों को आंदोलित करने की कला। 11 के अंक को आपस में जोड़ेंगे तो मिलेगी चंद्रमा की वाइब्रेशन। आप लोग कला और सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं। वहीं अगर हिंदी के अक्षर क की बात कर ली जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क अक्षर मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी ग्रह है बुध। मृगशिरा नक्षत्र जिसके स्वामी है मंगलदेव। इसका अर्थ ये हुआ कि लेटर के वाले लोगों पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल, इन सभी ग्रहों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। ये साल 2023 केतु का अंक है। केतु का अंक यानी 7 का अंक शांति का सूचक, गहन अध्ययन का सूचक, अध्यात्म से जोड़ता है व्यक्ति को। केतु इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, यूजफुल आइडियाज देता है, लेकिन आपको रेस्टलेस भी रखता है, बेचैन कर देता है, आपको भ्रम और संशय की स्थिति में भी डाल देता है। इस वर्ष 2023 में भी आपकी मानसिक अस्थिरता और मानसिक चंचलता उजागर होगी। केतु अचानक से रिजल्ट देता है, कितना भी संभल कर चलो, कब आपका नुकसान करवा बैठे या फिर कब आपको अचानक से कोई गुड न्यूज सुनने को मिल जाए, आप जान ही नहीं पाएंगे। इन सब के बावजूद ये साल 2023 आपके लिए विशेष सफलता वाला रहेगा। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर में आपको काफी सफलता मिलेगी। फैमिली लाइफ भी अच्छी ही रहेगी। आप एक स्वतंत्र प्राणी हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं। ऐसा ना होने पर आप बेचैन होने लगते हैं। आप एक ही तरह का जीवन नहीं जी सकते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपको नई नई चीजों को खोजना, नई चीजों पर रिसर्च करना, नए नए लोगों से मेल जोल बढ़ाना बहुत पसंद है। आप ज्यादा पुरानी या जानकार चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, नई चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। साल 2023 में आपको अपने नए रास्तों पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर एक डर की भावना भी पैदा हो सकती है, जो कि एक नए माहौल में एडजस्ट होने में आपको परेशानी भी दे सकती है। इस वर्ष आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, जिस कारण आप मानसिक तनाव भी ले लेंगे। इस वर्ष भी आप कुछ नया करना चाहेंगे, जिस कारण बेवजह की टेंशन पाल लेंगे। साल 2023 में भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी उठापटक क्यों ना चले, लेकिन अंत में सफलता आपको मिलनी ही है। आपकी अपनी पहचान बनेगी, रुके काम बनेंगे, आपको एक नई दिशा अवश्य मिलेगी। आने वाले जीवन में आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। ये साल 2023 के नाम वालों के लिए क्या क्या चैलेंजेस लेकर आ रहा है, उसे जानने से पहले आइए थोड़ा सा लेटर के को गहराई से समझ लेते हैं। लेटर के यानी कि अथॉरिटेटिव नेचर, दबंग स्वभाव लिए, अपनी शर्तों पर जीने वाले, निडर होते हैं, कुछ भी कहने में हिचकते नहीं हैं, वाद विवाद करने की आपकी नेचर होती है, दूसरों की बातों को तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकालने में माहिर हैं, किसी काम में अगर असफल हो जाते हैं तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी दूसरों पर निकालते हैं। रोक टोक आपको पसंद नहीं है, जिद्दी, अड़ियल, नखरीले, मुंहफट, कुछ ऐसे ही टाइटल आपको जब तब पीठ पीछे लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन आप इन सब बातों की परवाह नहीं करते हैं, ईमानदारी से अपने काम में व्यस्त रहते हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, परफेक्शन के साथ काम करना पसंद करते हैं, लोगों के लिए मददगार भी साबित होते हैं, इसलिए प्रोफेशनली तौर पर लोग आपसे जुड़े तो रहते हैं लेकिन पर्सनली आपसे एक सीमित दायरा बनाकर रखते हैं। वैसे आप लोग अपने काम में काफी सफलता पाते हैं। के नाम के लोग मशहूर बिजनेसमैन देखे गए हैं, कैरियर को लेकर काफी जागरूक रहते हैं, कई विकल्प आप लोगों के पास होते हैं, पर डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं आप लापरवाही बरत जाते हैं। जोखिम लेने में आप लोग बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, पैसा भी आप खूब कमाते हैं। लाइफ के अलग अलग स्टेज में परिश्रम भी काफी कठिन करना पड़ता है आपको, तब जाकर अंत में आपको सफलता मिलती है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद मिली ये सफलता आपका काफी लंबे समय तक साथ देती है। आपका दृढ़ इच्छा शक्ति होना आप लोगों को आसानी से हार मानने भी नहीं देता, जिस कारण सफलता का स्वाद आप चक्कर ही दम लेते हैं।
के नाम वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो लेटर के पर बनी मेरी ये वीडियो अवश्य देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाम का पहला अक्षर आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है। जिस नाम से आपको बार बार पुकारा जा रहा है, उस नाम की, उस लेटर की एनर्जी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आप ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ को भी जानते होंगे जिन्होंने सफलता पाने के लिए अपने नाम में चेंजेस किए हैं, अपने नाम के अक्षरों में चेंज किए हैं, क्योंकि नाम के हर अक्षर की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं साल 2023 में लेटर के वालों की कैरियर ग्रोथ कैसी रहने वाली है। साल 2023 आपकी सफलता और पहचान का सूचक बनेगा। अगर आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आपके किसी काम में रुकावटें आ रही थी, तो वो सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। साल 2023 का शुरुआती समय रुकावटों भरा रहेगा, लेकिन आपके कैरियर के लिहाज से अच्छा भी जाएगा। उसके बावजूद अचानक से प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में है तो ट्रांसफर हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अपना काम निकलवाना बखूबी जानते हैं। अपने काम को लेकर आप स्वार्थी भी हो जाते हैं। आप में गजब का साहस है, गतिशीलता है, ऊर्जा है। आप अपने कूटनीतिक विचारों से सामने वाले को अपनी बातों से कन्विंस कर लेते हैं। इस वर्ष आपके पुराने काम तो पूरे होंगे ही, नई रिसर्च के साथ नए नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप अभी तक जॉबलेस थे तो इस वर्ष आपको अवश्य नौकरी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखिएगा, केतु यहाँ पर आपको भ्रम की स्थिति में भी डालेगा। पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही नौकरी ज्वाइन करें, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया जा रहा हो उसकी जगह आपसे कोई और काम ले लिया जाए, या फिर आपके काम के साथ साथ दूसरे कामों का बर्डन भी आपके ऊपर डाल दिया जाए, जिससे आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो भी सोच समझ कर नई जगह पर ज्वाइनिंग करें। आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, अकाउंटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के कार्य क्षेत्र में, तो आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। वैसे भी आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। इस वर्ष आप प्रभावशाली व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ाएंगे, साथ ही सरकारी विभाग में भी अपने कनेक्शन बना पाएंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस में निरंतर सुधार करते रहेंगे। आपके सीनियर्स भी आपके काम से बहुत खुश होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। वैसे तो आप लोग ज़्यादातर अपना व्यवसाय करना ही पसंद करते हैं, जॉब करते भी हैं तो फाइनेंस में, मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा जुड़े होते हैं आप। और अगर आपका स्वयं का बिजनेस है तो व्यापारी वर्ग भी साल 2023 में अच्छा लाभ और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपकी मेहनत और किस्मत दोनों आपका साथ देगी, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो ये साल 2023 एक अच्छा मौका है। अगर आप जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो साल 2023 ये उपयुक्त समय रहेगा। 2023 में आपको विदेशी कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ सकते हैं, आपके कोई बड़ी डील हो सकती है वहाँ से, जो आपके लिए आगे चलकर लाभकारी भी साबित होगी। आप अपने व्यवसाय को अपने अनुरूप आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप दे पाएंगे। आप दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। शेयर बाजार, लॉटरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, एक्सपर्ट की सलाह लेकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी आप मनी माइंडेड पर्सन हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपके मिलने वाले ही आपके जानकार आपका पैसा फंसवा सकते हैं, आपको दो नंबर के कामों में भी डाल सकते हैं। अतः किसी की भी बातों से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि सोच समझ कर ही फाइनेंशियल डिसीजन लें। अब अगर साल 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति देख ली जाए तो धन के मामले में लाभकारी साबित होगा। जॉब और बिजनेस दोनों ही फील्ड में आप अच्छा कमाएंगे। आपका घर बनाने का सपना भी इस वर्ष पूरा हो सकता है। अगर आप किसी काम के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको समय पर मिल जाएगा। आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है तो रुका हुआ धन भी इस वर्ष वापस मिल सकता है। शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी लाभकारी साबित होगा। आप लैंड और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वर्ष आप अपने घूमने फिरने पर, अपने शौक पर भी पूरा खर्चा करेंगे। हाँ, ऑपोजिट सेक्स के प्रति आप ज्यादा आकर्षण ना रखें। अपना धन तो बर्बाद करेंगे ही, नुकसान के साथ बदनामी के भी योग बन रहे हैं। आपको सीरियस होकर अपने काम पर ध्यान देना होगा, वरना ध्यान भटक गया तो नौकरी और बिजनेस दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं।
स्टूडेंट्स के लिए साल 2023 बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साल 2023 अध्ययन, ज्ञान और गहन चिंतन का वर्ष है। स्टूडेंट्स इस वर्ष नए नए विषयों को पढ़ने में रुचि दिखाएंगे, बहुत कुछ सीखने और जानने की इनमें जिज्ञासा रहेगी। इस वर्ष अगर आप हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। इस वर्ष आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि पढ़ाई के क्षेत्र में कितना आगे जाना चाहते हैं। अपने करियर के प्रति आप बेहद गंभीर नजर आएंगे। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं उसमें आप शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। बिजनेस में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए ये साल 2023 एक रोमांचक वर्ष रहेगा। बैंकिंग, CA, CS या दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस वर्ष अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए भरपूर मेहनत भी करनी होगी। अपनी पढ़ाई पर अपने करियर के प्रति सीरियस रहना होगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। आप रचनात्मक बने रहेंगे, आपकी रचनात्मकता आपको सफल होने में मदद करेगी। ध्यान केंद्रित और आत्मविश्वासी रहते हुए आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी होगी। आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यदि स्टडी पर सीरियसली फोकस करेंगे तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि केतु आपको बीच बीच में भ्रमित करने की अवस्था में भी डालेगा। आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है। आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होकर उनके प्रति आसक्ति रख सकते हैं, जिस कारण आपका ध्यान अपनी स्टडी से, अपने कैरियर से हट सकता है। सो ख्याल रखें, दोस्ती उतनी ही रखें जितनी जरूरी है, एक लिमिट तक ही दोस्ती रखें। अपने रिलेशन को अपने कैरियर पर हावी ना होने दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां समय समय पर आती रहेंगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बदलाव भी नुकसानदायक साबित होता है। कोई पुरानी बीमारी अचानक से आपको परेशान कर सकती है। लगातार ओवर थिंकिंग के चलते आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित, नसों से, नर्व से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। अच्छा यही है कि अपनी समस्या को इग्नोर ना करें, समय रहते डॉक्टरी सलाह अवश्य लें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, हेल्दी डाइट लें, सुबह शाम की वॉक करें, योग प्राणायाम को अपनी लाइफ में शामिल करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे उसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं 2023 में आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में। अब बात अगर आपकी पर्सनल और फैमिली लाइफ की कर ली जाए तो प्यार के मामले में ये साल 2023 आपके लिए लकी साबित रहने वाला है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, एक अच्छे पार्टनर की तलाश में हैं, उनकी तलाश पूरी हो जाएगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन विवाह में बंधने का इंतजार कर रहे हैं, उनके विवाह होने में जिनके अड़चनें आ रही थी तो इस वर्ष वो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। आपके अपने प्रियजन, आपके भाई बंधु ही कोई आपको आपका विवाह कराने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। आपको इस वर्ष अपने पेरेंट्स की रजामंदी मिल जाएगी। जिन लवर्स के बीच में काफी समय से तनाव की, मनमुटाव की गलतफहमियां चली आ रही हैं, वो इस वर्ष दूर होने के पूरे आसार हैं। अगर कुछ गलतफहमियां रह भी जाती हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए साल 2023 आपके लिए सबसे अच्छा वर्ष रहेगा। आप साथ मिलकर बैठकर वार्तालाप करके समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके भी अपने जीवन साथी के संबंध और मजबूत होंगे। अगर कोई गलतफहमी आप दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही है, जिस कारण घर में झगड़े बने हुए हैं, तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो इस वर्ष आप अपनी मैरिड लाइफ को मजबूत करने के लिए भरपूर प्रयास करते नजर आएंगे। आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। फैमिली प्लान करने की सोच रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए उपयुक्त रहेगा। बस अपने रिश्तों में गलतफहमी ना आने दें। अपने साथी के प्रति आपका आकर्षण तो बढ़ेगा ही, रिश्ते में भी मजबूती आएगी, आपके प्रेम संबंध और ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे। हो सकता है इस वर्ष आप किसी विपरीत लिंग के आकर्षण में भी पड़ जाए। इस वर्ष आप एक साथी के रहते हुए दूसरी जगह संबंध बनाते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं, जिस कारण आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में तनाव की स्थिति बन सकती है।
आप अपने रिश्तों में नयापन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिस कारण बाहरी संबंध बनाने में भी आप नहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारियों से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। इन सब के बावजूद ये साल 2023 बेहद शानदार गुजरने वाला है। आप अपने आप को यंग और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सभी का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी पॉजिटिविटी आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम रहेगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। जीवन के सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे। अपने परिवार के लिए भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अपनी फैमिली भाई बंधुओं के साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपको अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर लंबे समय से फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट चला आ रहा है, कोई मनमुटाव चला आ रहा है, तो वो इस वर्ष समाप्त हो जाएंगे। आपके पारिवारिक विवाद आसानी से निपट जाएंगे। पास्ट में अगर कोई लंबे समय से अपने भाई बंधुओं से आपके विवाद चल रहे थे, तो इस वर्ष आसानी से सॉर्ट आउट हो जाने हैं। आपको अपने फैमिली फंक्शंस में भी जाने का पूरा मौका मिलेगा। अगर आप ईमानदारी बरतते हैं, तो सभी की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे और एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। आप आध्यात्मिक रहते हुए भी सभी की मदद करेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे। कुल मिलाकर ये साल 2023 आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है, अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखते हैं तो। रिश्तों में गलतफहमियां ना पैदा होने दें। आपसी बातचीत से गलतफहमियों को सुलझा लें। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत में ना पड़े लोन ना लें, कहीं से भी कर्जा ना लें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी कार्य ना करें, किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी ना करें। व्यर्थ का मानसिक तनाव तो होगा ही, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु आपको भ्रमित ज़्यादा करेगा। इसलिए कोई भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। वैसे भी आप लोग काफ़ी कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। अपने कुलीग्स अपने सीनियर से व्यर्थ की बातों पर डिस्कशन ना करें, आपकी स्मार्टनेस उन्हें बुरी लग सकती है। वर्क प्लेस पर उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें। अपने सभी कार्य एकाग्रता के साथ करें, फोकस करें अपने काम पर, डिसिप्लिन रहें। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। जिस काम में भी आपको नेगेटिविटी आने लगे, उस काम से दूर हो जाए। उपाय के तौर पर सुबह के समय पक्षियों को दाना अवश्य डालें, गाय को हरा चारा डालें, कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही देने से बचें, झूठी कस्बे तो बिल्कुल भी ना खाएं, रसोई घर में बैठकर भोजन करें, हमेशा भोलेनाथ की शरण में रहें, सुबह सूर्य नमस्कार के साथ सूर्य आराधना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में मजबूत स्थिरता आएगी। घर से काम पर निकलने से पहले, किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले, एक बार हाथ जोड़कर ईश्वर को नमन अवश्य करें। वाइट सिल्वर लाइट ग्रीन शेड्स जितने हो सके उतने डालें। डार्क रंग्स का अवॉइड करें। छोटी कन्याओं की सेवा करें, उन्हें अपशब्द कभी ना बोलें। घर और अपने आसपास के क्षेत्र में हरे पेड़ पौधे लगाएं, बागवानी करें। आने वाला साल 2023 आप सभी मित्रों के लिए आनंददायी और शुभ फलदायी साबित हो, ऐसी मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।